बिहार की राजनीति के पुरोधा रहे सुशील कुमार मोदी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैंसर की सूचना देने के करीब 40 दिन बाद ही उनकी हमेशा के लिए रुखसती हो गई। इसी के साथ ही बिहार की राजनीति से एक अध्याय का अंत हो गया। वो बिहार में भाजपा की लंबे समय तक पहचान रहे। उन्होंने बिहार की राजनीति में करीब 5 दशक से अलग अलग भूमिका निभाई थी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी का सोमवार 13 मई को निधन हो गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। पिछले कुछ समय से वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। सुशील मोदी ने इसी साल 3 अप्रैल को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर खुद के कैंसर से पीड़ित होने की जानकारी दी थी। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के लिए अंतिम संदेश में कहा था, पिछले 6 माह से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूँ। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रधानमंत्री को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। अपने राजनीतिक करियर के दौरान सुशील कुमार मोदी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद सहित सभी 4 सदनों के सदस्य रहने वाले बिहार के चंद नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू की थी। 1990 में पहली बार विधायक बने, 1995 और साल 2000 में भी विधायक बने, 2004 में लोकसभा सांसद बने, 2005 में MLC बने, 2005 से 2013 और 2017 से 2020 तक बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री रहे, 2020 में राज्यसभा के सदस्य बने। उनके निधन पर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शोक जताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों के साथ है। ओम शांति। सीएम योगी ने भी सुशील मोदी के निधन पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर दुख जताया। लिखा, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी का निधन अत्यंत दुखद है। मेरी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने देश और समाज की जीवन प्रयत सेवा की। उनका संघर्ष कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा प्रेरणा का कार्य करेगा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। सुशील कुमार के निधन से न सिर्फ उनके परिवार और बीजेपी खेमे में शोक की लहर है, बल्कि उनके विरोधी भी उनके जाने पर दुख जता रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।